नमस्कार, अविघ्न फूड बुक में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नान। इसे मैं तंदूर में न बनाकर आज मैं तवे पर बनाऊंगी। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, और वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। चलिए बनाने चलते हैं तवा नान। नान बनाने के लिए मैं 2 कप मैदा लेंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच शुगर और 4 चम्मच दही। हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे, 2 चम्मच घी। अब हम इन सब चीजों को इकट्ठे मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने इस मैदा को गुनगुने पानी की सहायता से गूंथ लेंगे। 1 डो तैयार कर लेंगे गुनगुने पानी से। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखिए हमारा डो तैयार हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ डो तैयार करना हमें। अब इसको हम ढककर कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोलकर देख लेते हैं हमारा मैदा तैयार है या नहीं। हमारी मैदा अच्छी तरह से फूल के तैयार हो चुकी है। अब हम इसके रोटियां बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके पेड़े तोड़ लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम हाथ में मैदा लगाएंगे जिससे कि ये मैदा हमारे हाथों पर चिपके नहीं, और इस तरह से इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। इस तरह से देखिए, ये इस तरह से हमने पेड़े तोड़ लिए इसके। इसी तरह से बाकी के पेड़े भी हम तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले हम अपने एक पेड़े को इसमें मैदे में लपेटेंगे और इस तरह से हाथ से थोड़ा सा फैलाएंगे। अब इसे हम अपने बेलन की सहायता से बेल लेंगे। इसे मैंने बेल लिया है, देखिए ये अच्छी तरह से बेल चुकी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और ये वाइट तिल है, इनको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी इस तरह से फैला देंगे और इसको इस तरह से हम चिपका देंगे। ये हमारी कसूरी मेथी और वाइट तिल अच्छी तरह से इस पर चिपक चुके हैं। अब हम दूसरी तरफ इस पर इसके पानी लगा लेंगे इस तरह से। ये मैंने पानी इस पर लगा लिया है। अब हमने तवे पे पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको रोटी को हम इस पर चिपका देंगे, नान को अपनी। इसमें बिल्कुल मीडियम आंच पर हमें सेकना है। तब तक हम बाकी दूसरी नान भी तैयार किए लेते हैं। देखिए हमारी नान तैयार हो रही, देखिए इस तरह से ये फूलने लगी है। अब इसको हम दूसरी तरफ उल्टा तवा करके इस तरह से सेक लेंगे, इस तरह से हमें सेकना है।
अब हम आंच को थोड़ा तेज करेंगे। हमने फ्लेम को हाई कर लिया है, इसको इस तरह से सेक लेंगे जिससे इस पर पीछे स्पॉट्स पड़ जाएं। देखिए स्पॉट्स इसमें अच्छी तरह से पड़ रहे हैं। हमारी नान अच्छी तरह से सिक चुकी है, अब इसको हम तवे से उतार लेंगे। देखिए हमारी दूसरी नीचे की साइड भी अच्छी तरह से सिकी है, ऊपर की साइड भी देखिए कितने अच्छे सिक चुकी है। अब इसको हम हटा के दूसरी प्लेट में रख लेंगे। अब हम दूसरी नान को भी सेम प्रोसेस से सेक लेंगे। अब हम नान के ऊपर घी लगा लेंगे, आप चाहें तो इस पर बटर लगा सकते हैं। हमारी नान तैयार है। आपको मेरी ये नान की रेसिपी पसंद आए तो इसे आप बनाएं, खाएं और अपने कमेंट्स अविंग फूड बुक पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।